एवरीवन, मैं बिंदु। हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और इधर से सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, हम दिख नहीं रहे अच्छे से। अभी ना मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बनाऊंगी। खाने में राजमा चावल और आलू के पराठे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये देखिए पूरा किचन ना हॉल में आ गया है। हम कितना मेहनत करते, कितना काम होता है सुबह से, आप सबको पता ही होगा। लेकिन बाबू क्या करता है, सारे बर्तन ना ला के यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सब देखिए कैसे सब घिना के रखे हैं, फैला के सब ना एकदम से खिचड़ी बना दिए हैं। और ये मेरे ना रात को ब्लाउज बना रही थी, तो अभी थोड़े से उसमें पेंडिंग है, बाकी ये थोड़े से बनाना है। इसमें ये मैं बना प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रही थी मैं, सब कंप्लीट है। बस इसमें बाजू लगाना है और इसमें पाइप लगाने हैं। मैं यहाँ पे ना ये एक डॉट डाली हूँ। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? बनाऊँगी ना मैं राजमा चावल। और ये मैं ना राजमा आलू उबाल के रखे, सिर्फ ना इसमें मैं दो आलू डालूँगी, छोटी वाली, बड़ी साइज में रखूँगी। बच्चों को ना खाना है समोसा, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई हूँ मैं। कल सुबह ना टिफिन बना के मैं ये समोसा दूँगी बच्चों को। अभी ना हम कर रहे हैं मसाले की तैयारी, चाय भी रखे हैं, मैं चाय भी पीऊँगी क्योंकि सर्दी हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे पास ये तो रबड़ है। बाबू के पास देखिए ये सब रबड़ है और अपने उंगली में कैसे ना लपेट के सब रखे हैं। जाओ मोना खेलो। यहाँ देखिए सारे मसाले हम रख लिए। और ये मिर्ची ना मेरी लाल होने लगी थी, बस इतना ही है। और बारिश इतना ज़्यादा अच्छे से सूखे भी नहीं ना। सारी मिर्ची ले लिए हैं, जीरा है, अदरक काट लिए हैं थोड़ा सा, और लहसुन 5-7 लौंग है, वही 6-7 इलायची है छोटी वाली, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ये है क्या बोलते हैं दालचीनी, और एक बड़ी साइज प्याज। ये सब ना मैं पीस लूँगी। ये जीरा है, ये सब मिक्सी जार में पीसूँगी मैं अच्छे से। मैं धनिया निकाल के इधर रखूँगी। एक चीज़ और बताई नहीं, मेरे पास ना काली मिर्च होता ना नहीं मिल रहा है, तो ये काली मिर्च पाउडर होता है ना, हम यही डाल दिए हैं इसमें। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा धनिया और हल्दी भी। यहाँ मेरा कुकर गरम है, इसमें बनाऊंगी मैं जीरा राइस। एक तेज पत्ता भी डाल दूंगी मैं इसमें, डाल दूंगी चावल, पानी लगा के ढक्कन बंद करूंगी। यहाँ देखिए धनिया भी हल्दी भी हम डाल दिए हैं। इसमें डाले हैं 8-10 दाना, मतलब वही सेंग दाना, और थोड़े से ना सूखे हुए नारियल। अब पानी डाल के ना इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारे चाय से ना धुआं उठ गया, ऐसी चाय पी जाती है, ऐसा चाय पीना चाहिए। बाबू परेशान कर रहा था ना, उसके पास चली गई और वहीं मैं बैठ गई, हमको बैठा लिया। मैं सोच रही हूँ कि क्या स्मेल आ रहा है इसमें से, आई किचन में देख रही तो चाय में से ना धुआं उठ गया है। इसमें ना तुरंत पानी चला दूँगी, तब ये ना छूट जाएगा अच्छे से, नहीं तो ना नहीं छूटेगा। मसाला मेरा अच्छे से ना ग्राइंड हो गया। और यहाँ पे रखेंगे कढ़ाई में, राजमा में एक टमाटर डालूंगी, टमाटर बहुत महंगा है भैया, एक टमाटर डालूंगी मैं सिर्फ, नहीं तो दो टमाटर तो डालती, जरूर डालती मैं, लेकिन ना टमाटर बड़ा महंगा हो रखा है। यहाँ पे कढ़ाई हम रखे हैं, गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी मैं तेल। इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, मेरा जीरा ब्राउन हो जाए। अब इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, ये देखिए ना लूज हो गया है। ये सब ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, कितना भी महंगा ले लो। अब ये पिसे हुए मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मसाला जब पक जाए ना इसमें, तब डालूँगी मैं आलू और राजमा। मैं ये राजमा, और इस राजमे का ना मैं पानी नहीं निकालूंगी। और राजमा देखिए कितने अच्छे से उबला हुआ है, कितना सॉफ्ट है। इसमें ना उबालते समय हम थोड़ा सा नमक डाले थे 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ना कोकोनट ऑयल, ले देख लो, देख लो, बस बस मसाला जल जाएगा बाबू, छोड़ो। हाँ पहले ये आलू डाल दूँगी मैं, दो आलू इसमें से हम लिए हैं और दो आलू रखे हैं ये समोसा बनाने के लिए बच्चों के टिफिन में।
इसे हम पहले अच्छे से चला लेंगे, फिर डालेंगे राजमा। ये टमाटर भी ना हम कद्दूकस कर लिए थे, ये भी ना मैं डाल दूंगी इसमें। देखिए अब इसमें डाल दूंगी मैं ये राजमा, और ये राजमा उबाली थी ना, इसका पानी मैं नहीं निकाल रही हूँ, नहीं निकालूंगी। अब इसको ना एक से दो मिनट के लिए मैं इसे पका लूंगी, तब इसमें डालूंगी मैं नमक पानी जो डालना रहेगा। आ गए क्या? इसी के साथ मैं डाल दूंगी एक चम्मच सब्जी मसाला। अब इसको ना मैं दो मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद इसमें पानी वानी डालूंगी मैं। इसमें हम गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि खड़ा गरम मसाला हम इसमें पीसे हुए हैं ना, और ये खड़े गरम मसाला से बनाओ ना बहुत ही अच्छा लगता है। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। ये भी ना अच्छे से पक गया है, सूख गया। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। आलू अच्छा है बाबू, जो दोनों आलू उबली हुई थी ना उसमें से ना थोड़ा सा आलू बाबू लेके गया, जबकि हम बोल रहे हैं कि मत खाओ डाइजेशन सही नहीं है, तो भी बहुत रोने लगा। उसके लिए ना दूध यहाँ रखे, अभी दूध गर्म करके मैं दूंगी आज। अभी दूध ना नहीं दिए उसको, शनिवार रात को 9 बजे से दूध पिया है, अभी तक दूध नहीं पिलाई मैं उसको। ORS लाई थी ना वो भी सब फ्रिज में पड़ा है, नहीं पिया है उसको, उसको टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें डाल लूंगी धनिया की पत्ती। स्वाद अनुसार नमक। इसको ना 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, यहाँ पे गरम करूंगी मैं बाबू का दूध। हाँ इसी लोटे में गरम कर लूंगी मैं। अभी जब बच्चे स्कूल चले गए थे ना हम गैस नहीं साफ किए, क्योंकि सिर्फ पराठा मैं बनाई थी। बच्चे ना सहजवान की चटनी के साथ पराठा लेके गए, आलू पराठा मैं बनाई थी, अभी इतना बाकी है। और ये आलू पराठा मेरा ना आलू और आटा मिक्स करके मैं बनाती हूँ, अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो इसकी रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं, और ये देखिए कैसे सब पानी छोड़ देता है, नमक रहता ना इसमें। यही मैं अभी बनाऊँगी थोड़ा सा है, बहुत गर्म है मेरा जीरा राइस बन गया है। देखिए मेरा राजमा बनके तैयार है, और ये देखिए राजमा इतने अच्छे से मेरा गला था ना जब इसको उबाली थी कि पता भी नहीं चल रहा है, मिक्स हो गया है, आधा तो मिक्स हो गया है, आधा तो दिखाई दे रहा है इसमें। अभी ना बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे आ जाए ना तो मैं खाऊंगी खाना। पराठा भी बना लिए हैं अपना। ये देखिए बाबू क्या करके आया है, आके ना मेरे मुंह पे मुंह रख के ना देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं। क्या किए हैं, क्या किया पता नहीं, कहाँ से हमें लगता है ना हमारी लिपस्टिक के पास है। कहाँ से लिया बाबू लिपस्टिक है, कुछ और है, एक मिनट देखो लिपस्टिक है, कहाँ से लिया, कहाँ से? इतना नुकसान करते, इतना नुकसान करते, मैं क्या बताऊँ, ये भगवान। हम यहाँ लेटे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का, और ये देखिए अब सब नाश हो गई। कितने पैसे बर्बाद करते हो, तुम्हें पता है कितना नुकसान करते हो आप। रुद्रा इधर देखो, इधर देखो, मुंह दिखाओ, देखो हमारे कपड़े में सब रगड़ रगड़ के ना साफ कर लिए। आ गए मेरे बच्चे स्कूल से, और रुद्रा ना बड़ा खुश है, जैसे दिन में तो कई बार गाड़ी यहाँ हॉर्न देती है तब तब ना मेरा बाबू दौड़ के जाता है बालकनी में, बोलते हैं दीदी भैया आगे, लेकिन अब की बार जब आया ना डोर खुलता है ना बड़े जोर से बच्चे बंद करते हैं ना, मम्मी पक्का आ गए दीदी भैया। लड़ो खाना निकालो, हैंड वॉश करो, सच में निकाल दो, सच में निकाल दो, भूख लगी है ना। चलो पेपर कैसा गया? पेपर इतना इजी जिंदगी में मैंने नहीं दिया होगा, मतलब इससे ना तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। चलिए निकालते हैं ना खाना बच्चों के लिए।